Jai Hind defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic, that is about India's nuclear doctrine. Because ISKCO 25 years complete ho gaye hai, so we are going to discuss whether it is still relevant or not. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, leg straight and national awareness. So let's get started. See, before moving ahead with our topic, आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, ये जो मैं आर्टिकल्स लेके आती हूँ ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगते भी हैं कि नहीं? बिकॉज मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनको कवर करने का, हम नेशनल और इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से ही पिक करते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं फॉर योर डिफेंस एग्जाम्स प्लस यू नो फॉर योर अवेयरनेस पर्पज, मतलब उतना नॉलेज होना चाहिए. तो अगर आपको लगता है कि ऐसे यू नो आर्टिकल्स को कवर या कंटिन्यू रखना चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को 25 साल हो गए हैं, तो ये आर्टिकल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि क्या इंडिया को अपने डॉक्ट्रिन को चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर नहीं तो क्यों यही ये अभी भी रेलेवेंट है. अगर हम देखें 1974 में क्या हुआ था, इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा. ये टेस्ट इंडिया ने राजस्थान के पोखरण में किया और इस टेस्ट ने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया था, और भारत ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला गया. और इसके बाद हमने खुद को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर भी नहीं किया था, और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन था. लेकिन 1990s में क्या हुआ, एनपीटी को एक्सटेंड कर दिया गया. एनपीटी क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. वो क्या कहती है कि 5 कंट्रीज हैं ना जिनके पास न्यूक्लियर पावर हुआ करते थे, दैट इज़ USA, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, वो ही सिर्फ न्यूक्लियर पावर को रख सकते हैं, लेकिन और कोई कंट्री नहीं रख सकती. तो इंडिया ने अपोज किया इस ट्रीटी को, और इंडिया ने बोला आप तो पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, हाफ एंड हाफ नॉट. और उस टाइम पर हमारे पड़ोसी देश से भी खबर आ रही थी कि वो भी न्यूक्लियर पावर बनाने वाले हैं, एंड चाइना एंड दूसरे कंट्रीज़ के हेल्प से. सो अब क्या हुआ, जब हमारा ये जो न्यूक्लियर इंडिया ने क्या किया, जब इंडिया के 15 मंथ हुए ना न्यूक्लियर टेस्ट को, जो 1974 के समवॉट अराउंड हुआ, ठीक है, पोखरण 2, इंडिया ने तभी अपनी एक ड्राफ्ट कर दी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. और अगस्त 17, 1999 में के सुब्रमण्यम ने कन्वीन किया फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड को, जो कि एक सब्सिडरी बॉडी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसने प्रेजेंट किया डॉक्यूमेंट को कहा किसको, ब्रजेश मिश्रा, कंट्री का पहला जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था. ये डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया गया सो दैट उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जो थे उन्होंने स्ट्रेस किया था कि इसको यू नो पहले प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए फाइनल टर्म्स में इसको लेके आने से पहले, राइट? तो ड्राफ्ट जो है डॉक्ट्रिन का उसको ऑफिशियल स्टैम्प नहीं मिली. जो प्रिंसिपल मेंशन थे ना इसमें, वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे इन अ प्रेस नोट कि गवर्नमेंट ने रिलीज इसको तब किया है जब ये ऑपरेशनलाइज हुआ 2003 में, राइट? तो मतलब इसके प्रिंसिपल्स तब जाके कहीं ना कहीं दे गॉट दी ऑफिशियल स्टैम्प. जो ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना उसने ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट किया इंडिया के कॉन्सेप्ट को, और कैसे इंडिया वेपन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को देखता है, और कहीं ना कहीं ये भी डिक्लेयर किया कि पॉलिटिकल रोल क्या है न्यूक्लियर वेपन का, और कैसे ये क्रेडिबल डेटरेंस लेके आएंगे मिनिमल लेवल पे और रिटेलिएट करेंगे ओनली पॉलिसी को. ये प्रिंसिपल जो है रिफ्लेक्ट हुए, और कुछ यू नो जो डायरेक्ट इसने डायरेक्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर फोर्स और उसके पोस्चर को. हाउएवर ये प्रिंसिपल जो है 25 सालों पहले कंसीव किए गए, लेकिन जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है. अगर हम देखें अपने नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, तो वो क्या करता रहता है रूटीनली बेसिस पे, वो प्रोजेक्ट करता रहता है अपनी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, मतलब वो दर्शाता रहता है कि हम तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर लेंगे. इंडिया कहता है कि फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है हमारी, अगर हम पे अटैक होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे. चाइना जो है वो अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन कर रहा है अपने न्यूक्लियर मेंबर्स और उसके कैपेबिलिटी के. तो ये सारे चेंजेस क्या एक रिवीजन मांगते हैं हमारी जो गाइडलाइंस अडॉप्ट की गई थी क्वार्टर सेंचुरी अगो पहले. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो क्रॉस बॉर्डर टेरर फैलाता रहता है, और चाइना का बढ़ता हुआ एग्रेसिव बिहेवियर, ये दो सर्टेनली टॉप मोस्ट सिक्योरिटी थ्रेट है जो इंडिया अभी फेस कर रहा है. एडिशनल फेयर क्या है कि दोनों कंट्रीज एक साथ आके इंडिया के अगेंस्ट एक्ट करेगी. क्या इंडिया के अर्सनल्स डेटर कर सकते हैं 2 न्यूक्लियर आर्म एडवाइजरीज को विदाउट सब्सटेंसिव चेंजेस? क्या इंडिया को स्टिक करना चाहिए अभी भी अपने डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पे,
क्या हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है? देखो, इंडिया ने जहाँ की लार्ज स्केल पे एक्यूमुलेट कर लिया है न्यूक्लियर वॉरहेड, और अगर हम देखें तो इंडिया अपने आप को मैच करने की कोशिश कर रहा है इन एडवर्सरी से, और ड्राफ्ट जो है ये मैंडेट करता ही नहीं है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है इफेक्टिव, इंड्योरिंग, डाइवर्स, फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव हो, लाइक ये मैंडेट करता है कि ये होनी चाहिए, लेकिन जो नंबर्स है ना, डायनेमिक डायनेमिक एंटिटी, वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट पे ही रिलेट करती है। इंडिया का अर्सनल हमें भी पता है कि वो ग्रो कर रहा है, दैट टू एट अ मेजर पेस हर साल, और इसमें हमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस इज नॉट अ नंबर्स गेम, राइट? कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मेरिट जो है वो ग्रेटर अटेंशन अटेन कर जाते हैं, जिसमें अगर हम कहें जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ना टूवर्ड्स हाईली एक्यूरेट कन्वेंशनल डिलीवरी सिस्टम, और या फिर एबिलिटी माउंट करना साइबर अटैक्स को न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल के थ्रू, एआई को यूज़ करके न्यूट्रलाइज करना रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी को, और इम्प्रूव करना इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज को, जो कि इंडिया को न्यूक्लियर फोर्स बनाएगी जो कि बहुत वल्नरेबल है फर्स्ट स्ट्राइक के। ये सारी डेवलपमेंट डिमांड करती है एक फोकस, वो भी सर्वाइवेबिलिटी पे, किसके, कंट्री के न्यूक्लियर फोर्सेस पे। ये कुछ चेंजेस को नेसेसेट करती है नंबर्स में एंड कमांड्स में एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में भी। ऐसे कैपेबिलिटीज बिल्डअप करते हैं, मतलब जो बिल्डअप हुए होते हैं उनको कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। एक सेकेंड डॉक्ट्रिनल एट्रीब्यूट जो ऑफन करता है डिबेट कि हमें फर्स्टली यूज़ नहीं करना चाहिए, ये एक इनडिस्टिंक्टिवली, मतलब एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है कि पहले खुद नहीं अटैक करो, अगर सामने से आप पे अटैक हो रहा हो तभी आप अटैक करो। पाकिस्तान और चाइना का जो डिसरप्टिव बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, जिससे ये एनकरेजमेंट देखी गई, मतलब ये कई बार इंडिया को एनकरेज करता है कि इंडिया लैक ऑफ हार्ड नोज हॉकिश फर्स्ट यूज स्ट्रैटेजी जो है इंडिया को कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में खतरे में भी डाल सकती है। ये आर्ग्यूमेंट जो है वो स्क्रूटिनिटी को स्टैंड नहीं करती है। ये जो फर्स्ट यूज स्ट्रैटेजी है ना उसको अगर सपोर्ट भी करना है तो क्रेडिबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जो कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेगी रिटेलिएशन को, एक एक सोफिस्टिकेटेड अर्सनल ऑफ हाईली एक्यूरेट न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को यूज करना चाहिए लार्ज नंबर में, विद गुड आईसीआर जो लोकेट कर सके और टारगेट कर सके एडवर्सरीज के न्यूक्लियर फोर्सेस को। एक इफेक्टिव बीएमडी भी रिक्वायर होगा, और इनमें से कोई भी इजी या चीप नहीं है। क्रेडिबल फर्स्ट स्ट्राइक जो है वो बहुत, दैट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू बिल्ड बट वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल रिजल्ट भी यील्ड करती है अगेंस्ट एडवर्सरी, जिसमें एक रोबोस्ट सेकेंड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी देखने को मिलती है। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि हमें डिस्पेंस करना चाहिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, बट नॉट डिक्लेयर भी नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स इनकी अनक्लियर होती है। ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो एडवर्सरी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को और हाइटन अप करेंगी, और हम न्यूक्लियर अर्सनल को लूज अप कर सकते हैं टू पॉसिबल फर्स्ट यूज। ये जो फेयर है ना इमिनेंट न्यूक्लियर स्ट्राइक का और प्रेशर है टू यूज़ और लूज, ये हमें एडवर्सरी को जो है क्या कर सकता है, कई बार टेम्प्ट कर देता है टू यूज़ इट्स न्यूक्लियर फर्स्ट फोर्स फर्स्ट। एम्बिग्विटी क्या करती है, एक कहीं ना कहीं मिस परसेप्शन का एक इंक्रीज करती है, रूम फॉर मिस परसेप्शन, एंड वो अपने आप को कॉस्टली भी प्रूव करती है इन कॉन्फ्लिक्ट, राइट? ये जो ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन है ये क्रिटिसाइज की गई है कि ये जो डेटरेंस को हमने ऑमिट किया है थ्रू द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, और अगर हम देखें जो हमारी एबिलिटी है ना कि कुछ अचीव करना है लिमिटेड डिस्ट्रक्शन के साथ, न्यूक्लियर वेपन्स को माना जाता है कि दे आर एबल टू बिलीव टू बी डेटर बेटर, बट ये जो आइडिया है ना लिमिटेड डिस्ट्रक्शन का और एस्केलेशन कंट्रोल का, ये ज़्यादा एजम्पशियस है। अगर हम न्यूक्लियर वेपन के नेचर को देखें तो ये भी देखा जा सकता है कि कुछ टैक्टिकल भी है इसके यूसेज के बारे में। इनफैक्ट प्लान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो इसको यूज कर सकता है, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो कम्प्लीटली अनस्टेबल सिचुएशन देखने को मिलेगी, बिकॉज जो रिस्पॉन्स होता है ना एडवर्सरी से उसको हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिक एट्रीब्यूट जो डॉक्ट्रिन में प्रेजेंट किए गए हैं दे शुड बी वैलिड इन द फेस ऑफ कंटेम्प्रेरी न्यूक्लियर ट्रेंड्स। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इनफैक्ट स्टैंड आउट करता है फॉर बींग अ बीकन ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, इवन जो दूसरे इंडल्ज हो रहे हैं ना इसके बिहेवियर में, जो एनकरेज कर रहे हैं अ साइकिल ऑफ हेजिंग स्ट्रैटेजीज और आर्म रेस। तो कामनेस जो है ना इंडिया के डॉक्ट्रिन की, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इंडिया को कहीं ना कहीं वर्चू बना रखा है, या फिर हम कहें इंडिया के फेवर में है न्यूक्लियर कोकोफोनी के टाइम पे, राइट? सो गाइज दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस। योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज ऑन टाइम। थैंक यू एवरी वन।